अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अकोला में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या के जिम्मेदार है जिला प्रशासन। महमूद खान पठान ने लगाया प्रशासन पर गंभीर आरोप। आए दिन अकोला शहर में कोरोना की संख्या बढ़ रही है और हमारा जिला प्रशासन इसे रोकने में असफल दिखाई दे रहा है, जिसकी एक मिसाल सामने आई है। आसमा परवीन रहमान खान खदान रहवासी है, जो निगेटिव थी, उसके बावजूद भी उसे उसके घर से अस्पताल के एम्बुलेंस में बिठाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उसे PKV में पॉजिटिव पेशेंट के साथ रखा। उसकी निगेटिव रिपोर्ट होने के बावजूद भी उसे पॉजिटिव पेशेंट के साथ रखा गया। ऐसी ही अगर हमारा प्रशासन काम करता रहा तो अकोला शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जाएंगी। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाना चाहिए, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष महमूद खान पठान ने जिला प्रशासन पर लगाया है। महमूद खान पठान को जैसे ही मालूम पड़ा कि उस बच्ची की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी उसे पॉजिटिव पेशेंट के साथ रखा गया है, वह अपने सभी पदाधिकारियों को साथ लेकर PKV पहुंचे और उसकी निगेटिव रिपोर्ट हासिल करके उसे PKV से रातों रात छुट्टी दिलाई और उसे अपने घर पर भिजवाया। इस घटना को महमूद खान पठान ने एक गंभीर अपराध बताया है और पालक मंत्री बच्चू कड़ू से इस पर सख्त कदम उठाने के लिए विनंती की है। मेरा नाम असमा परवीन रहमान खान, मुझे खदान पे रहने वाली हूँ। 6 तारीख से लाया गया, रिपोर्ट निगेटिव आई थी, पॉजिटिव में डाला गया, इसका जवाबदार कौन रहेगा? अकोला शहर में जो पॉजिटिव पेशेंट की बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे उसका कारण सामने आया है। एक बच्ची जिसका नाम असमा परवीन रहमान खान है, जो खदान निवासी है, उस बच्ची की 6 तारीख की रिपोर्ट निगेटिव थी, उसके बावजूद भी प्रशासन ने उसके घर पे जाके उसे हॉस्पिटल में लेके आए और उसे पॉजिटिव पेशेंट के साथ में रखा। ये प्रशासन कहीं ना कहीं मार खा रहा है। प्रशासन ने उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो बच्ची को यहाँ पर लाके PKV के अंदर पॉजिटिव पेशेंटों के साथ रखा गया, ये बहुत बड़ा अपराध किया गया, क्योंकि वो बच्ची निगेटिव है, उसके बावजूद उसको पॉजिटिव के साथ रखा गया। अगर उसके जान का कुछ कम ज़्यादा होता है या उसके घर के लोग पॉजिटिव निकलते हैं, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और समाजवादी पार्टी की ओर से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि ये लोग इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं पेशेंटों के साथ। ये अच्छा व्यवहार तो नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग निगेटिव आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव के साथ रखा जा रहा है। मैं माननीय पालक मंत्री साहब से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि साहब, आप यहाँ आके सिर्फ आश्वासन मत दीजिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी करें और जो लोग पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, उनको राहत देने का काम करें। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से माननीय पालक मंत्री और कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ। अकोला 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।